हेलो एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शाम हो चुकी है। आज शुरू आज सुबह नहीं हुई, आज शाम हुई है। और अभी टाइम हो रहा है 5:51। ऊपर भी आप देख सकते हैं 5:51 हो रही हैं। और अभी हम जा रहे हैं कैलाश महादेव के दर्शन करने, जो कि है सिकंदरा पे। सिकंदरा से आगे जाके अंदर की तरफ थोड़ा है। मैं पहले भी गया हूँ एक बार, लेकिन आज फिर पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए आज दोबारा जा रहे हैं। हम वीडियो बनाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और वहाँ का जो बैकग्राउंड का व्यू है, यमुना रिवर का व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से भी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि दिन ढलने वाला है, शाम होने वाली है। शाम तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। अभी चलते हैं। गाइस, अभी हम जा रहे हैं एक्टिवा पे, और सामने का व्यू देखिए कितना बादल छा रहे हैं और पूरा ब्लैक ब्लैक शेड हो रहा है, जैसे कि बारिश आने वाली है। और बारिश आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं बाइक नहीं लेके आया, क्योंकि बाइक में हेलमेट रखने की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए बाइक कैंसिल करके एक्टिवा उठा ली हमने। गाइस, फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, और शिव वरद वल्लभ गणपति मंदिर है। तो हमारा प्लान अभी ऐसा था कि हमें तो जाना था कैलाश महादेव, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा था, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। इसलिए हम यहाँ गणेश जी के मंदिर आ गए, जो कि छलीसर पे स्थित है। और इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई है, सो मैं वो चैनल पर डाल दूँगा। सो शॉर्ट्स वीडियो आप भी देख सकते हैं। और गणेश जी का आगरा में कोई इतना स्पेशल सिर्फ एक भगवान का मंदिर नहीं था, और जो कि अब आगरा में छलेसर में स्थित है। तो अगर आप दर्शन करना चाहें तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। रामबाग से ये 3 से 4 किलोमीटर होगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप इजीली ऑन रोड पर ही आप आना चाहें तो आ सकते हैं। वीडियो बनाने अंदर चुपचाप एक्शन कैमरा लेके, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, इसलिए एक्शन कैमरा लेके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये यहाँ का व्यू है मंदिर का, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। एक्चुअली क्या है कि अलाउ नहीं था कैमरा, इसलिए मैंने चुपचाप वीडियो बनाई, तो चुपचाप वीडियो ऐसे ही बन पाई थी और पॉसिबल नहीं थी। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है। अब हमारा टाइम हो गया निकलने का, क्योंकि पट्टी छी पीछे से देखने वाले थे, तो इसलिए हम चलते हैं अब। जय गणेश। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा है ना कि हमने यहाँ वीडियो भी हमने पंडित जी से पूछा था कि वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि वीडियो नहीं बना सकते हैं। होंगे कुछ ना कुछ रीजन्स, क्योंकि सारे मंदिरों में वीडियो बनाने अलाउ नहीं रहता, इसलिए। तो हमने कहा कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्शन कैमरा था हमारा, तो इसलिए हमने कहा अब जब यहाँ तक आए हैं तो वीडियो बना कर ही जाएंगे। तो मैंने एक फिर भी चुपचाप वीडियो बना ही ली है, और वो मैं इसमें डाल भी दूँगा ब्लॉग में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जिस किसी ने ये मंदिर नहीं देखा, उसको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ का जो व्यू है, ऑसम व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश चतुर्थी पर भी काफ़ी ज़्यादा रश रहने वाला है यहाँ पे। और जिसने मंदिर नहीं देखा तो प्लीज़ विज़िट करिएगा मंदिर। मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और हार्डली ज़्यादा दूर नहीं है। रामबाग से 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है, 4 से 5 किलोमीटर भी बहुत हो गया, और 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। तो प्लीज़ मंदिर ज़रूर आइएगा, और वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं घर पे, तो वीडियो आप, हमारा जो प्लान था वो तो कैलाश महादेव जाने का था, लेकिन बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमें बारिश हल्के लिए आने लगी थी, तो इसलिए प्लान हमने चेंज कर दिया। तो हम यहाँ गणेश जी के मंदिर आ गए, तो इसलिए वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम अभी चलते हैं घर पे,
और मैं पीछे कर दूँगा। सामान